महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महानगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से बहुप्रभाग रचना किया है। ये बहुप्रभाग रचना ये है औरंगाबाद महानगर पालिका की जैसे जितने भी महानगर पालिका है उनके लिए कि यहाँ पर अब 3 वार्डों का 1 वार्ड होगा, 1 वार्ड के नागरिक 3 वार्ड में वोटिंग करेंगे। इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तापित पक्ष जो है जैसे शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये पक्षों के अलावा कोई भी अब महानगर पालिका जीत कर नहीं जा सकता, ये इन्होंने प्लानिंग बना दिए। अब तक ये होता था कि छोटे मोटे जो पक्ष रहते, अपक्ष उम्मीदवार रहते और वो कार्यकर्ता रहते कि हर महल्ले में कुछ ऐसे कार्यकर्ता रहते जो अपने महल्ले में सेवा और खिदमत का काम करते हैं 5 साल, वो सेवा और खिदमत करते हैं और उसके बाद वो लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं और इलेक्शन में खड़े रहने के बाद उनको पता है कि यहाँ के नागरिकों की, यहाँ की जनता की मैं सेवा करता हूँ और उसका इनाम मुझे ये मिलेगा कि ये लोग अपना कीमती वोट मुझे देंगे और मैं महानगर पालिका में नगर सेवक बनकर जाऊँगा और भी ज़्यादा सेवा करूँगा। लेकिन ये बहुप्रभाग रचना करने की वजह से कार्यकर्ताओं को भी जो है तो अब ब्रेक लग गया, अब कार्यकर्ताओं के जो है तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। इससे नुकसान ये है कि कोई भी कार्यकर्ता अब कार्य करने के लिए सामने आना मुश्किल हो जाएगा। इससे जो है तो पब्लिक का नुकसान है कि कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो पब्लिक की जो रोज़ाना की समस्या रहती वो कौन हल करेगा? ये शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये लोग आपको कभी महल्ले में नज़र नहीं आते। लोगों के रोज़मर्रा की परेशानियों को फेस करने के लिए ये लोग नज़र नहीं आते। लोगों के रोज़मर्रा की परेशानी को हल करने के लिए हर महल्ले में जो है तो लोकल कार्यकर्ता रहते जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते। और अगर से ये सिर्फ प्रस्तापित पक्ष ही महानगर पालिका में जाएंगे, इनका प्लानिंग ही ये है कि ये जो है तो ये 3 पक्ष है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसी 3 पक्ष के हिसाब से ये लोगों ने 3 वार्ड का एक प्रभाग बना दिया कि 1 कांग्रेस को देंगे, 1 शिवसेना को देंगे और 1 राष्ट्रवादी को देंगे, बाकी सब पक्षों का खेल खत्म। और इसमें जो दलित समाज के कार्यकर्ता होते हैं वो जो है तो अपने महल्ले में अच्छे पैमाने पे काम करते हैं और एक नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो भी अपने महल्ले में काम करते हैं, वो लोग जो है तो किसी पक्ष के सहारे नहीं रहते, वो लोग अपने बल पर पब्लिक के दुआओं से और अपने काम के बल पर महानगर पालिका में जाते। अब ये बहुप्रभाग रचना की वजह से ये सारे लोगों पर ब्रेक लग गया, इसलिए लोक विकास परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। सिर्फ ऑफिस में बैठ के नहीं, हम इसके लिए रोड पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी छोटे पक्ष है और जो जिम्मेदार लीडर्स है, जागरूक नागरिक है, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको कबूल मत कीजिए, ये बहुप्रभाग रचना को कबूल मत कीजिए, इसके खिलाफ आप जैसा भी लड़ सकते हैं आप लड़िए। इसी तरीके से मैं MIM के कायद जनाब असद साहब और वंचित के अध्यक्ष बाड़ा साहेब अम्बेडकर, इनसे भी विनंती करता हूँ कि ये दलित मुस्लिम ये 2 समाज इनकी राजकीय ज़मीन खिसकाने की कोशिश की जा रही है, दलित समाज का नेतृत्व ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग लोकसभा में दलित मुस्लिम के सामने आए थे और आपने एक विकल्प दिया था, उसी तरीके से आज भी आप दोनों से मैं विनंती करता हूँ। मैं आप दोनों के हमेशा विरोध में हूँ, मैं आज तक आप लोगों को फेवर नहीं किया, ना ही आपको मैंने कभी इनडायरेक्ट बात करने की कोशिश की,
लेकिन आज मैं आपसे विनंती करता हूँ कि लोगों को, आप वाकई में दलित मुस्लिम के नेता अपने आप को समझते हो, तो इनके लिए आपके एक आवाज़ पे ठाकरे के घर का घेराव करेंगे, बम्बई में एक मोर्चा ले जाएंगे, आपके एक आवाज़ पे लोग आगे आ जाएंगे, आप एक आवाज़ लगाइए। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, लेकिन लोक विकास परिषद कल शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक इस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेल रही है। कल जो है तो दिन भर लोक विकास परिषद का डिविजनल कमिश्नर के सामने एक आंदोलन की शक्ल ये रहेंगी कि वहाँ पर लाक्षणिक उपोषण रहेगा। इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।